हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हम लूप्स की। तो क्लास की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ, वी कैन, वी शुड एंड वी विल। तो राइट माइंडसेट और राइट एटीट्यूड के साथ राइट डायरेक्शन में अगर हम काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी गोल, जो भी टारगेट हमने अपने लिए सेट किया है उसको हम अचीव कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं लूप्स के साथ। आज इस क्लास में हम तीन टाइप के लूप्स पढ़ रहे होंगे जावा के अंदर, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स एंड डू व्हाइल लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं, तो अगर हमने कभी गाने सुने होंगे बैठकर, तो बीच में ऐसा होता है कि एक गाना हमें काफ़ी अच्छा लग जाता है और उसको हम बार 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 सुनना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी ऐप के अंदर या जहां पर भी होते हैं लूप पर लगा देते हैं। लूप मतलब किसी काम को बार 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 रिपीट करना। तो कोड के अंदर जो भी काम हमें बार 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 रिपीट करना पड़ता है उसको हम लूप्स की हेल्प से रिपीट करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमें कोई सिंपल सा काम दिया हुआ है कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करिए अपने कोड में, तीन बार हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम स्टेटमेंट लिख देंगे आउटपुट की जिसमें लिख रहे होंगे हेलो वर्ल्ड, एंड इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देंगे तीन बार। तो ये लीजिए, हमने तीन बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने का कोड लिख दिया। अब ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर हमें अब बोला जाए कि हेलो वर्ल्ड को आपको 20 बार प्रिंट करना है, या मान लीजिए 100 बार प्रिंट करना है, तो क्या बार बार हम कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे? नहीं, हम जावा के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं लूप्स। अब लूप्स का सबसे पहले सिंटैक्स सीखेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम 100 बार हेलो वर्ल्ड सिर्फ तीन लाइनों में प्रिंट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स की। सबसे पहला जो सिंटैक्स हम सीख रहे होंगे वो होगा हमारे फॉर लूप का। तो फॉर लूप को जावा के अंदर लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हमारा कीवर्ड फॉर, और उसके बाद तीन स्टेटमेंट्स आती हैं पैरेंथेसिस के अंदर। पहली स्टेटमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी अपडेशन। अब इनको एक 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 करके एनालाइज करेंगे। अब अगर हमें कोई भी काम करवाना है लूप में, मतलब बार बार किसी काम को रिपीट करवाना है, तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि वो काम कितनी बार हुआ है। अगर 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो देखना पड़ेगा कि क्या 50 बार प्रिंट हो गया, क्या 70 बार प्रिंट हो गया, क्या 90 बार प्रिंट हो गया, क्या हम 100 पर आ चुके हैं। तो इस सारे काम को ट्रैक करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए जिनकी वैल्यू की शुरुआत करें 0 के साथ या 10 के साथ या 5 के साथ, और उसके बाद उनको अपडेट करते जाएं, और जब तक उनकी वैल्यू 100 से कम है तब तक उन्हें बढ़ाते रहें। तो अगर हमें 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं। ये काउंटर वेरिएबल क्या होगा, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू शुरुआत में है 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देंगे और फिर काउंटर वेरिएबल को कर देंगे 1, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देंगे, काउंटर वेरिएबल को कर देंगे 2, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देंगे और काउंटर वेरिएबल को कर देंगे 3। तो इस तरीके से काउंटर वेरिएबल काउंट कर रहा है कि हमारा काम कितनी बार हुआ है। तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो अपडेट होगी उसकी क्या कंडीशन होगी, कि हर बार हम जो है काउंटर को क्या बना रहे हैं, काउंटर प्लस 1। तो पुरानी जो काउंटर की वैल्यू थी उसमें प्लस 1 कर दे तो वो नए काउंटर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी अपडेशन स्टेटमेंट, ये हो गई हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर कंडीशन का क्या मतलब है, कंडीशन यानी टर्मिनेटिंग कंडीशन, कि ये लूप जो है, ये पूरा का पूरा लूप जो है ये कब तक चलना चाहिए, ये तब तक चलना चाहिए जब तक हमारे काउंटर की वैल्यू लेस देन 100 है। जैसे ही काउंटर 100 रीच करेगा वैसे ही हमारा लूप खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर काउंटर अगर 99 तक आया है तो हमने 100 बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा दिया है। अब अगर काउंटर 100 होता है तो वहां से आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट मत करवाइए, आप अपना लूप खत्म करिए क्योंकि अब आपने 100 बार प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गई है हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, यानी वो कंडीशन जो डिफाइन करेगी कि फॉर लूप कब तक चल रहा होगा। तो अब सेम काम जो हमने लिखा था तीन बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना, अब हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड को 100 बार। कैसे, हमारे फॉर लूप की हेल्प से। अब दीदी इस फॉर लूप में प्रिंट करने की स्टेटमेंट कहाँ लिखेंगे, तो ये प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा
इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो जो भी काम लूप के अंदर हमें बार 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 रिपीट करवाना होता है उसको हम फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। तो सारे के सारे काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसी कोड को हम दोबारा लिख कर देखते हैं। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाते हैं 100 बार की जगह सिर्फ 3 बार। कैसे करवाएंगे? फॉर इंट काउंटर, एक काउंटर हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसकी इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिख दी, इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको 0 के साथ। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक जो टर्मिनेटर है वो आया है, यानी सेमी कोलन। तो जब भी हम फॉर लूप की बात करते हैं उसमें एक तो इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कोलन आता है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन के बाद सेमी कोलन आता है। तो 2 सेमी कोलन आते हैं, मतलब एक तरीके से 3 कंडीशन हम एक ही लाइन में जोड़कर लिख रहे हैं फॉर लूप के अंदर। तो काउंटर इज इक्वल टू 1 से कर दिया इनिशियलाइज, काउंटर जब तक लेस देन 3 है हम क्या करेंगे, काउंटर को इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो इस तरीके से हमने कोड लिख दिया, अंदर लिख देंगे प्रिंट की स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। अब इस पूरे कोड को सेव करके रन करवाते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आएगा वो है 3 बार हेलो वर्ल्ड। अब इसी सेम काउंटर के लिए अगर हम टर्मिनेटिंग कंडीशन में 3 की जगह 100 लिख दें तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 100 बार प्रिंट हुआ है। इसी तरीके से टर्मिनेटिंग कंडीशन डिफाइन करती है कि आप कब टर्मिनेट कर रहे हैं, कब रुक रहे हैं। और अगर हम इस टर्मिनेटिंग कंडीशन को कम्प्लीटली हटा दें, मतलब यहाँ खाली छोड़ दें, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में रन करें तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते जा रहा है, प्रिंट होते जा रहा है, प्रिंट होते जा रहा है, प्रिंट होते जा रहा है। कब तक प्रिंट होगा? जब तक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी भर नहीं जाती, जब तक हमारे कोड की वजह से हमारी मेमोरी भर नहीं जाती तब तक प्रिंट होगा। तो ऐसे वो लूप्स जो बार 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 बस चलते रहते हैं उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप्स। अपने कोड के अंदर हमें इनफाइनाइट लूप्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो हमारे कोड को ख़राब कर देते हैं, मेमोरी हमारी भर जाती है। इसीलिए यहाँ पर इनफाइनाइट लूप हम कभी नहीं रख रहे होंगे। एंड यहाँ पर एक टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट हम ज़रूर देंगे जहाँ पर एक पॉइंट के बाद हमारा कोड ख़त्म हो रहा होगा, रुक रहा होगा। अब ये हमने हेलो वर्ल्ड अपना प्रिंट करवा दिया है लूप की हेल्प से। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, 0, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हमें नंबर्स को प्रिंट करना है 0 से लेकर 10 तक। अब वो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो अपने इस फॉर लूप को हटा देते हैं और एक नया फॉर लूप लिखते हैं जिसमें क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू को ले लेंगे 0 से। और यहाँ पर हमारा काउंटर कहाँ तक जाएगा, काउंटर जाएगा 0 से लेकर 10 तक। तो काउंटर की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है या लेस देन 11 है, क्योंकि जैसे ही 11 होगा हम रुक जाएंगे, पर 10 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो काउंटर प्लस प्लस, यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 को हमने लिख दिया है काउंटर प्लस 1, काउंटर प्लस प्लस। तो काउंटर प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, काउंटर की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर देना। तो इसी सेम चीज को लिखने का शॉर्टकट है काउंटर प्लस प्लस। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं जावा की टर्म्स में। ऑपरेटर्स के बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तब हमें ज़्यादा डिटेल में ऑपरेटर्स समझ में आएंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इसका मतलब, काउंटर प्लस प्लस का मतलब होता है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो इस स्टेटमेंट को हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे। पिछली बार प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड, इस बार हमें प्रिंट करवानी है वैल्यू 0 से लेकर 10 तक। तो क्यों ना हम अपने काउंटर को ही प्रिंट करवा दें, क्योंकि शुरुआत में काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 0, तो काउंटर प्रिंट हो जाएगा। फिर होगी 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर होगी 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इस कोड को सेव करके रन करते हैं एंड रन करके देखें तो हमारा आउटपुट आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी सेम चीज़ को हमें सेम लाइन पर प्रिंट करवाना होता तो क्या करते, काउंटर के बाद बस देते थे एक स्पेस। तो दोबारा कोड को रन करवाएं तो सिंगल लाइन में हमारा आउटपुट हमारे लिए प्रिंट हो गया है। एंड ये जो काउंटर वेरिएबल है इसका नाम हम कुछ और भी लिख सकते हैं।
अब जैसे इन सेम लूप को अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन 11, i प्लस प्लस प्रिंट i. यहां पर क्या हुआ, हमने काउंटर का नाम अब i रख दिया है, तो आगे जाकर जब हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, मुश्किल चीजें पढ़ रहे होंगे, तो हमारे कोड में हमें बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी, उस टाइम पर काउंटर जैसे बड़े बड़े वेरिएबल्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने लूप के अंदर, तो छोटे से वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे i लिख दिया, j लिख दिया, k लिख दिया, x लिख दिया, यूजुअली i और j हम लिखते हैं, तो i इज इक्वल टू जीरो, i लेस देन 11, i प्लस प्लस, एंड इसी तरीके से प्रिंट कर देंगे i. इसको भी रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आ रहा होगा. हमारे पास जो आउटपुट आया है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो हमने पहले ऑब्जर्व किया था. तो इस तरीके से अपने काउंटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं अपने लूप के अंदर. अब फॉर लूप के बारे में हमने बात कर ली, अब इस फॉर लूप को एक बार थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि फॉर लूप में एक्चुअली हुआ क्या. इसको एक बार लिख लेते हैं कि हमने क्या कोड में लिखा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो टर्मिनेटर, आई इज लेस देन 11 टर्मिनेटर, आई प्लस प्लस, हमें क्या करना था, प्रिंट करना था, यहाँ पर पूरा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा पर प्रिंट करना था हमें अपने i को, यहाँ पर भी टर्मिनेटर. इस तरीके से जिस तरीके से अभी हम एनालाइज करेंगे, इस तरीके से एनालाइज करने को कोडिंग की भाषा में कहते हैं ड्राई रन करना, यानी बिना कोडिंग करे अपने कोड को देखना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चीज़ें सही चल रही हैं, नहीं चल रही. तो हम अभी अपने कोड को ड्राई रन कर रहे हैं. सबसे पहले क्या था, i की वैल्यू थी जीरो, यानी i की वैल्यू थी जीरो, क्योंकि इनिशियलाइजेशन यानी शुरुआत, यह है शुरुआत. इस स्टेटमेंट पर हम दोबारा नहीं आ रहे होंगे लूप के अंदर, सिर्फ एक बार आएंगे. तो पहली बार में i की वैल्यू थी जीरो. उसके बाद सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है ये स्टेटमेंट, फिर एग्जीक्यूट होती है ये स्टेटमेंट. तो हमने इनिशियलाइज कर लिया i को जीरो के साथ, फिर चेक किया कि क्या हमारा जो i है वो 11 से छोटा है. हाँ छोटा है, तो उस केस में हम चले गए लूप के अंदर, मतलब यहां पर, और हमने प्रिंट करवा दिया आई को, यानी जीरो हमने प्रिंट करवा दिया. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपने लूप से हम गए अपनी अपडेशन कंडीशन पर. तो एक बार हमने लूप रन कर लिया, अब हम अपडेट करेंगे, तो आई को अपडेट करके हमने कर दिया वन. अब आई अपडेट होकर वन हो गया, तो अपडेशन के बाद वो जाता है फिर से चेक करने. तो चेक करने के बाद उसने देखा कि i तो अभी भी लेस देन 11 है, तो इस केस में हमने प्रिंट कर दिया दोबारा से i को, यानी अब 1 को. 1 को हमने प्रिंट कर दिया यहां पर. प्रिंट होने के बाद वो अपडेट करेगा, चेक करेगा, दोबारा प्रिंट करेगा, दोबारा से अपडेट करेगा, चेक करेगा, दोबारा प्रिंट होगा. तो इसी तरीके से एक लूप में चीजें जो हैं वो चल रही होंगी. पहले प्रिंट कर रहा है, फिर अपडेट कर रहा है, फिर दोबारा चेक कर रहा है. तो यहां पर हमने किया था प्रिंट, उसके बाद कर देंगे अपडेट. अपडेट होकर आई की वैल्यू बन जाएगी 2. आई की वैल्यू 2 हुई, दोबारा से चेक हुआ कि क्या आई लेस देन 11 है. हाँ है, तो उस केस में प्रिंट कर देंगे हम 2 को, दोबारा से कर देंगे अपडेट. अपडेट किया तो आई की वैल्यू 3, दोबारा से चेक किया कि क्या 3 लेस देन 11 है. हाँ है, तो आई को प्रिंट कर दिया, यानी 3 को प्रिंट कर दिया. एंड इसी तरीके से एंड में आते आते आई की वैल्यू हो जाएगी 10. हम प्रिंट कर देंगे आई को, तो 10 हम प्रिंट कर देंगे. उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11. आई की वैल्यू जैसे ही 11 होगी, यानी हम यहां पहुंच जाएंगे, आई की वैल्यू 11 हो जाएगी अपडेट होकर, और चेक करेंगे कि क्या आई लेस देन 11 है. तो वहां पर आई लेस देन 11 नहीं होगा, तो हम इस फॉर लूप से बाहर चले जाएंगे, हम प्रिंट नहीं कर रहे होंगे. इसीलिए यहां पर सिर्फ 10 तक प्रिंट होगा, 11 प्रिंट नहीं हो रहा होगा. तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर लूप हमारे लिए काम करता है. अब बात करते हैं अपने वाइल लूप की. तो वाइल लूप में फॉर लूप जैसे ही हम सारे काम कर सकते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है. इंग्लिश में वाइल का मतलब है जब तक. अब तब तक कोई काम करते रहिए जब तक ये कंडीशन आपके लिए रीच नहीं हो जाती. फॉर लूप में हमारे लिए वो कंडीशन थी कि जब तक हमारा आई लेस देन 11 है तब तक आप काम करते रहिए. वैसे ही वाइल लूप के अंदर भी यही कंडीशन होगी कि जब तक, मतलब वाइल, हमारा जो आई है वो लेस देन 11 है
तब तक आप कोई काम करते रहिए, और वो काम क्या है, प्रिंट करना आय को। और यहाँ पर आय को इनिशियलाइज कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आय को इनिशियलाइज करेंगे अपने कोड के अंदर ही, मतलब वाइल लूप के बाहर इंट आई इज इक्वल टू जीरो हम लिख देंगे, एक नॉर्मल स्टेटमेंट जावा की। और अपडेट कहाँ करेंगे, अपडेट करेंगे अपने लूप के अंदर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, बार 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 उसको अपडेट कर रहे होंगे। तो ये जो सेम कोड हमने लिखा है फॉर लूप से, इस सेम कोड को हम वाइल लूप की हेल्प से लिखेंगे। इसे कर देते हैं कमेंट आउट, और अब वाइल लूप की हेल्प से कोड को लिखें। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं अपना वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद लिखते हैं वाइल, अंदर लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 है तब तक आप क्या करिए, आप प्रिंट करिए आई को। और आई अपडेट कहाँ हो रहा है, आई होगा अपडेट यहाँ पर आई प्लस वन से, यहाँ पर हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते थे। अब इस पूरे कोड को सेव करके रन करेंगे अगर, तो रन करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया है वो भी सेम है, विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से फॉर लूप से हमने जो काम किया था उसी सेम काम को बड़ी आसानी से हमने वाइल लूप के अंदर भी कर दिया। तो वाइल लूप कुछ नहीं है, सेम काम को करने का एक अलग सा तरीका है। एंड सिमिलर वे में हम जो सेम काम फॉर लूप से वाइल लूप से कर रहे हैं, उसी सेम चीज को हम डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं। डू वाइल लूप यानी आप कुछ काम करिए, किसी काम को डू करिए, डू मतलब कुछ करना, तो किसी काम को आप करिए जब तक आपकी कंडीशन रीच नहीं हो जाती। तो सेम चीज को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करने का नया जो जुगाड़ है वो है डू वाइल। अब डू वाइल में सेम कंडीशन को कैसे लिखेंगे, डू में लिखना है हमें अपना काम, काम क्या है, प्रिंट करवाना आई को। आई को डिफाइन कहां करेंगे, डू वाइल के बाहर ही इंट आई इज इक्वल टू जीरो से किया इनिशियलाइज, डू के अंदर अपना काम किया जो है प्रिंट आई करना, उसके बाद लिखेंगे हमारी कंडीशन व्हाइल आई इज लेस देन 11। अब एक छोटा सा डिफरेंस जो व्हाइल और डू व्हाइल में आ जाता है, अगर हम ध्यान से देखें व्हाइल को, तो व्हाइल में घुसते टाइम ही हम अपनी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो सही है क्या, तभी काम हो रहा होगा। जबकि डू व्हाइल में हम थोड़ा सा दानी बनते हैं, जिसमें हम पहले तो अपना काम करते हैं फिर बाद में कंडीशन चेक करेंगे, पहले काम करेंगे बाद में कंडीशन चेक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से डू व्हाइल और व्हाइल में छोटा सा डिफरेंस ये आ जाता है। अगर फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में जब हम घुसते हैं तभी कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो फॉर लूप के अंदर भी शुरुआत में जब इनिशियलाइज करते हैं तभी हमारी जो कंडीशन है वो चेक हो जाती है। व्हाइल में भी शुरुआत में कंडीशन चेक हो जाती है। डू व्हाइल में चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, काम एटलीस्ट एक बार तो जरूर हो रहा होगा, ये पक्का है। इसीलिए जब आपको काम चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर एटलीस्ट एक बार करवाना है तभी आप डू व्हाइल को यूज करें तो ज्यादा फायदा होगा। तो इसी सेम चीज को अगर हम लिखें अपने कोड में तो कैसे लिखेंगे, यहां पर इसे भी कर देते हैं कॉमेंट आउट, एंड हम लिखते हैं डू व्हाइल लूप। उसके लिए दोबारा से अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जीरो से, और डू के अंदर काम कर रहे होंगे, काम क्या है, प्रिंट करना आई को। अब आई को भी सेम वे में अपडेट करेंगे जैसे व्हाइल के अंदर अपडेट किया था, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन से, एंड यहाँ पर व्हाइल की कंडीशन आएगी जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 है तब तक। इसको सेव करके अगर रन करें तो हमारे लिए आउटपुट सेम आया है, यानी 0 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। तो सेम काम को हमने फॉर लूप से कर लिया, व्हाइल लूप से कर लिया, डू व्हाइल लूप से कर लिया। तो इस तरीके से ये तीनों लूप काम करते हैं जावा के अंदर। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में, हम क्या करेंगे, हम एक फॉल्स कंडीशन ले लेंगे। फॉल्स कंडीशन यानी अपने आई को इनिशियलाइज कर देंगे हम 12 के साथ, और सबसे पहले लिखते हैं व्हाइल लूप, जब तक आई हमारा लेस देन 11 है तब तक आप क्या प्रिंट करिए, प्रिंट करिए अपना कॉलेज। ये कंडीशन हमने लिख दी।
इसको रन करें अगर, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा हमारे लिए। क्यों प्रिंट नहीं होगा? देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि आई की वैल्यू तो पहले ही 12 है, और जब वो लूप में घुसेगा तो देख लेगा कि क्या आई लेस देन 11 है, तभी कंडीशन चेक हो जाएगी, जो कि फॉल्स है, आई लेस देन 11 है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए प्रिंट ही नहीं हुई। अब अगर हम सेम कोड के लिए डू वाइल लूप लिखें तो क्या होगा? डू में हम कुछ काम करेंगे जो कि होगा प्रिंट करना अपना कॉलेज, एंड लास्ट में हम लिखेंगे वाइल। अब वाइल में हमने लिखा आई इज लेस देन 11, तो सिमिलर सी चीज की पर एक डिफरेंस है। इस कोड को अगर रन करेंगे तो हमारे लिए प्रिंट हो रहा होगा अपना कॉलेज। ये क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि डू ने बिना कंडीशन देखे पहले तो प्रिंट करवा दिया, लेकिन बाद में इसने कंडीशन देखी और वहां पर कंडीशन फॉल्स हुई, तो वहां पर हम आगे बढ़ गए। लेकिन एक बार तो एटलीस्ट इसने काम करवाया, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करेंगे डू वाइल लिखते हुए, जो कि है इस टर्मिनेटर को ना लिखना। ये मिस्टेक मैंने भी बहुत बार की थी जब मैंने लूप्स नए नए सीखे थे जावा के अंदर। तो टर्मिनेटर हमें हमेशा लिखना है डू वाइल के वाइल के बाद। वाइल लूप में कोई टर्मिनेटर नहीं आता, सिर्फ अंदर की स्टेटमेंट्स में आता है, लेकिन डू वाइल में वाइल कंडीशन के बाद एक टर्मिनेटर आ रहा होता है, जिसको हमें मिस नहीं करना। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी ग्रिप को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना कोडिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्वेश्चन है प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये एन कोई एक एन आर्बिट्ररी एन है जो हमें यूजर ने इनपुट में दिया है, इसको इनपुट लेंगे। 1 से लेकर एन तक सारे नंबर्स का हम ले लेंगे सम, और इस सम को हम प्रिंट करवा देंगे। कुछ ऐसा है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है n इज इक्वल टू 4, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है? 1+2+3+4 का सम, यानी 7+2 9 10 हमें प्रिंट करवाना है। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए यूज कर रहे होंगे हमारा फॉर लूप। फॉर लूप यूज कर लिया, इसके अंदर इनिशियलाइज जो करेंगे इस बार अपने काउंटर को, यानी अगर i हमने लिया है तो क्या उसको 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए, या इस बार इनिशियलाइज कर दें उसको 1 के साथ? 1 के साथ इनिशियलाइज करेंगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि हमें नंबर्स क्या लेने हैं, 1 से लेकर n तक। तो इसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ, और कब तक चलेगा ये काउंटर? कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाती। तो ये हमने देखा कि मैथ्स का जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, उसको कोडिंग में लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब वैसे ही i लेस देन इक्वल टू n जब तक है, मतलब i n से छोटा भी है और जब उसके इक्वल भी हो जाएगा तब तक ये लूप काम करे। लेकिन अगर i n से बड़ा हो गया तब हम रुक रहे हों। तो ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट, और i को हर बार करेंगे अपडेट। तो यहाँ पर लिख देते हैं i++, और अंदर क्या करेंगे? हमारा सम कैलकुलेट करेंगे। सम को कैलकुलेट करने के लिए एक नया वेरिएबल बना देते हैं int sum, जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। तो 0 सम की शुरुआती वैल्यू थी, उसमें ऐड करते जाएंगे अपने आई को, अपने काउंटर को। तो सम में हर बार क्या करेंगे? ऐड कर देंगे अपने आई को, एंड फाइनली लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे हमारा सम। तो कुछ इस तरीके से सम को हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ, अपने काउंटर को इनिशियलाइज किया 1 के साथ। बार बार आई की वैल्यू बढ़कर पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, एंड इसी तरीके से एन तक जाएगी। एन तक क्यों जाएगी? क्योंकि लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, और हर बार सम में ऐड हो जाएगा आई। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम ले लेंगे। अब इसी सेम चीज के लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं। तो ये स्कैनर क्लास नहीं, स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं अपना पैकेज। तो अब ये पैकेजेस क्या होते हैं? तो जावा के अंदर बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्लासेस पहले से बनी हुई हैं। जैसे ये स्कैनर क्लास हमारी सुविधा के लिए पहले से बनी हुई है, इसको मैं दोबारा नहीं बनाना। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम इन्हें इम्पोर्ट करते हैं। जैसे अगर हमें कोई गाने सुनने हैं किसी फेवरेट सिंगर के, तो हम उसकी पूरी की पूरी लाइब्रेरी को उठा लेंगे, जो भी गाना चाहिए होगा उसको सुन लेंगे।
वैसे ही लाइब्रेरी को पूरा का पूरा उठा लेंगे, उसमें से जो भी फंक्शन होंगे चाहिएंगे, जो भी उसमें से हमें यूज़ करना होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर स्कैनर के अलावा भी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे यूज़फुल फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में देख रहे होंगे। तो स्कैनर क्लास की हेल्प से हम क्या इनपुट करा लेंगे, अपना नंबर n। अब एक सम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे जीरो के साथ, और फॉर लूप के अंदर काउंटर को चलाएंगे जीरो से जब तक लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, और i प्लस प्लस, और क्या कर रहे होंगे, सम में ऐड करेंगे सम प्लस i, एंड फाइनली प्रिंट करवा देंगे हमारा सम। तो अब इस पूरे कोड को रन करते हैं। सबसे पहले इनपुट पास करना पड़ेगा, इनपुट में पास करेंगे 4, तो हमारे लिए आउटपुट आया है 10। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर लूप की हेल्प से फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करवा रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है हमने लेक्चर 2 में होमवर्क प्रॉब्लम्स में दिया था, तो वहाँ पर हमें सिर्फ प्रिंट करना आ रहा था, तो आउटपुट के लिए हमने बार बार जो टेबल थी किसी नंबर की उसको बार मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके प्रिंट करवाया होगा। इस बार उसी सेम काम को 10 लाइनें लिखने की बजाय 3 लाइनों में हम खत्म करेंगे फॉर लूप की हेल्प से। तो काम ये है, प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय द यूजर। तो यूजर को एक नंबर इनपुट कर रहा है, उसकी हमें टेबल प्रिंट करवानी है। कैसे कराएंगे, मान लेते हैं यूजर ने इनपुट किया 2 की हमें टेबल प्रिंट करवानी है। 2 की टेबल प्रिंट करवाने का मतलब सबसे पहले 2 × 1 प्रिंट करवाना, फिर 2 × 2, 2 × 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो इनकी कुछ कुछ वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ रही होंगी। अब हम ध्यान से देखें तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक पैटर्न देखें तो हर बार ये जो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर्स ये अपडेट हो रहे हैं बाय 1। तो क्यों ना हम एक फॉर लूप लिख दें। फॉर लूप के अंदर क्या होगा, ये जो नंबर है इसको हम ले लेंगे अपना काउंटर। तो यहाँ पर int i इज इक्वल टू 1, शुरुआत में 1 है क्योंकि, और कब तक जा रही है ये वैल्यू, जब तक i या तो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रहता या लेस देन 11 नहीं रहता, तब तक हम अपडेट कर रहे हों अपने i को, यानी i को बना रहे हों प्लस प्लस। पर मेन काम ये है कि हम इस फॉर लूप के अंदर क्या लिख रहे होंगे। फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर को यानी अपने n को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने i से, और उसी चीज को हम करवा रहे होंगे प्रिंट। तो i की वैल्यू पहली बार में है 1, तो पहले प्रिंट हो जाएगा n। दूसरी बार में है 2, तो पहले दूसरी बार में प्रिंट हो रहा होगा 2 × n। तीसरी बार में 3, तो प्रिंट हो रहा होगा 3 × n। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी टेबल हम n की प्रिंट करवा रहे होंगे इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने फॉर लूप्स के अंदर। अब सेम चीज के लिए कोड लिखते हैं। कोड में हमने इनपुट ले लिया अपना नंबर n, और अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक फॉर लूप। तो फॉर int i इज इक्वल टू 1, जब तक i की वैल्यू रहती है लेस देन 11, i प्लस प्लस, एंड यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे i इंटू n को। अब इनपुट में हम दे रहे हैं नंबर 2, तो हमारी 2 की पूरी टेबल प्रिंट हो गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। तो इसी तरीके से 10 लाइनें लिखी थी जो हमने लेक्चर 2 के अंदर सिर्फ नॉर्मल आउटपुट के लिए, उसकी जगह हमने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से लूप्स जो हैं हमारे कोड में, बड़े बड़े कोड को, बड़ी बड़ी प्रिंट स्टेटमेंट्स को, बड़े बड़े कामों को बहुत छोटे से कोड में सीमित कर देते हैं। सिर्फ कुछ ही लाइनों के अंदर हम काफ़ी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम से। तो आज के लिए इतना ही। आई होप लूप्स जो हैं वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे हमारे लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, साथ के साथ पिछली क्लास में जो होमवर्क प्रॉब्लम दी थी कैलकुलेटर की उसका सॉल्यूशन होगा, और साथ के साथ आज की क्लास के लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स होगी जिन्हें हमें डेफिनेटली करना है। उनको करेंगे तो नए नए तरीके से खुद कैसे कोड करना है उसको हम ज़्यादा सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।